स्किल्ड है, बहुत ही अच्छा फाइटर है एंड बहुत बहुत पैशनेट है अपने स्पोर्ट को लेके, अपने मार्शल आर्ट्स को लेके। बाकी विकास बोले। आई हैव नथिंग टू से, आई जस्ट वांट टू थैंक हिम कि आज वो है हमारे साथ और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इफ आई एम हियर टुडे ओनली बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ हिम। देखो फिटनेस तो हमेशा, मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक्टर भी नहीं बनता तो फिटनेस तो हमेशा साथ रहता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर भी बनता तो मैं इतना ही फिट रहता, क्योंकि जब तक मैं एक दिन में एक घंटा अपने आप के लिए नहीं निकालूँ, एक डेढ़ घंटा, तो पीसफुल फील नहीं होता है और एक मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन की बात है टू बी फिट। एंड इंडिया में जो तेज़ी से फिटनेस इंडस्ट्री बढ़ रहा है वो देखने से मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ कि लोग आके ट्राइबल कॉम्बैट में ट्रेन करें। ये हमारा एक स्टूडियो है मुंबई में, अब हमारा एम है कि मुंबई से हम हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, हर जगह जाए, बट आई थिंक दिस विल बी द प्लेस वेयर वी आर गोना स्टार्ट एंड वी वॉन्ट ट्राइबल कॉम्बैट टू बी अ वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूट। उनके जो कहे कम है, ऑफ कोर्स आई वुड विश हिम द बेस्ट। फिल्म तो हिट है, हम सबको मालूम है, तो यस लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल कॉम्बैट। अरे भाई हम यहाँ पे क्या चीज़ के लिए आए हुए, आप देखो ना। यस, ट्राइबल कॉम्बैट लाइक इट वॉज मी माई प्लान एंड माई पार्टनर्स विकास प्लान। सो वी आर लाइक प्रोवाइडिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इट्स अ बेसिक लाइक मोटिव एंड दिस इज माई फर्स्ट वेंचर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो यस यस ऑब्वियसली दिस इज आर फर्स्ट ब्रांच, ऑब्वियसली हर एक ये बंदा आज तक चलता है जिंदगी में कि कुछ आगे मैं करूँगा, बढ़ाऊँगा। एंड माई मेन एम इज लाइक टू प्रोवाइड एक अच्छी उनको सेटिस्फैक्शन देनी है अपने जो कस्टमर्स को, उनको प्रॉपर जैसे उन चाहते हैं उनको बेस्ट वे में उनको सेटिस्फैक्शन, न्यू लर्निंग देना, दैट इज़ माई मेन मोटिव। सो लाइक हाँ जिम के साथ साथ वहाँ भी आपने कॉम्बैट के लिए स्पोर्ट्स के लिए, तो वो क्या रिंग बॉक्सिंग रिंग। सो एज यस 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 विल कीप सम गुड फाइट्स, ये कुछ सैटरडे नाइट फाइट्स भी होती हैं वो भी रख सकते हैं हम। सो लाइक बॉक्सिंग रिंग ऐसा है कि मुंबई में अभी तक बॉक्सिंग बहुत इतना नहीं आया, मतलब तो बहुत कम लोग जानते हैं। दिस इज़ मेन लाइक फन एक्टिविटी, पीपल विल स्टार्ट लाइक बॉक्सिंग के बारे में जानेंगे, उनको अच्छा लगेगा बॉक्सिंग रिंग, नाइस इट्स बॉक्सिंग। सो लाइक वो एक था कि बॉक्सिंग रिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लान मैंने देखा जब आई वॉज सर्वेइंग ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग मटेरियल जो भी है वो बहुत महंगा देते हैं एंड मैं सोच रहा हूँ कि अपना खुद का मटेरियल बना के ट्राइबल कॉम्बैट का, लाइक वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स इन दैट जॉनर ऑल्सो। या विकास सर, आई मेट हिम लाइक व्हेन आई वाज फाइव इयर्स अगो आई मेट हिम, I used to train under him martial arts, so he is more like a friend and more like a guide. He guides me in life, like in certain ways how life is, he guides me that way. So wo martial arts sikhate hain, he is super like brilliant at martial arts, but moreover jise life ke lessons hote hain ki tumhe life mein martial arts ko kaise use karna hai, you have to be patient, you have to be calm, wo usne unhone mere ko bahut inculcate kiya mere andar wo cheez. आप भी वो मार्शल आर्ट? यस आई एम इनटू मार्शल आर्ट जिमनास्ट। बट हु इज द ट्रेनर ऑफ दिस जिम? ट्रेनर विकास विकास भी हैं बट दे आर नॉट ऑल ट्रेनर्स, वी आर कीपिंग डांस, एरियल सिल्क एंड क्रॉसफिट, लॉट ऑफ एक्टिविटीज विल बी गोइंग ऑन आउट हियर, इट विल बी फन। सूरज कैसे तैयार हुए फॉर द लॉन्च ऑफ दिस? सूरज जी से लाइक उनको ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनको बोला कि लाइक वी आर ओपनिंग, इज एक्साइटेड, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि यस नाइस यू शुड ओपन दैट। एंड व्हेन वी लाइक उनसे बात हुआ कि लाइक हम डिफरेंट एक अप्रोच जा रहे हैं, लाइक दिस इज़ आवर इंटरनेशनल कंसर्न, इसलिए लाइक ही वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन दैट।
थैंक यू। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेनी कंग्रेचुलेशन हार्दिक, थैंक यू सो कि आपकी इस ओपनिंग में हम ज़रूर आए, अगर नेक्स्ट मौका मिला तो हम और लोगों को लेके आएंगे आपके सेलिब्रिटीज वगैरह। श्योर और आप रियली आई एम टू हैप्पी कि मुंडे मीडिया आज आपके बीच में है। यस यस, और इनका भी बहुत से मैगजीन्स और काफ़ी मुंडे मीडिया के थ्रू जितनी भी चैनल्स है उसमें आपका ज़बरदस्त हाईलाइट होगा। Yes. आगे चल के हम डेफिनेट कुछ भी काम है तो साथ में करेंगे। डेफिनेटली आई लव टू वर्क विद यू मेनी टाइम्स। थैंक यू सो मच मेरे भाई। हार्दिक आप कितना एक्साइटेड हैं, मतलब कई मेहमान आ जा रहे हैं। राइट राइट राइट, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट माय पेरेंट्स देव गिवन मी सो मच। मेरे को आज तक जो मैंने कहा, जो मैंने मांगा, मुझे सब कुछ मिला है। ठीक है, तो मैं बस मैं आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स राइट नाउ। आई कैन क्राई, लिटरली आई कैन क्राई। दिस इज माई फर्स्ट वेंचर, मैं I've never been so excited in my life and I'm just so thankful, so grateful to God. Okay, thank you. क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं बॉम्बे एंटरटेनमेंट राजू टाइप और हमारी अर्थ एंटरटेनमेंट कंपनी है जो माड़ा में। आप ज़रूर आइए और हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर और भी आगे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और आपका आज का नया ओपनिंग की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज वर्षा चौहान एंड मैं यहाँ ट्रिपल कॉम्बैट के ओपनिंग में आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टेल यू आई एम फिटनेस इंथुजाइज्ड, आई लव फिटनेस एंड अबाउट रिलेटेड एवरीथिंग। सो आई वॉन्ट टेल यू गाइज दैट दिस प्लेस इज ऑसम फॉर योर फिटनेस। मिस्टर हार्दिक जी जिन्होंने ये ओपन किया हुआ है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट्स है। मतलब मैं तो जो देख रही हूँ बहुत ही मतलब नए नए किस्म की मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, रिंग नज़र आ रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का कॉन्सेप्ट जो भी है। और मैं तो ऑफकोर्स आ रही हूँ कल से और यू गाइज इफ़ यू फॉलो मी देन यू ऑल्सो कम ओवर हेयर। थैंक यू सो मच। मैंने जैसे कि अभी जस्ट कहा कि आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट फ्रॉम मीन इट्स लाइक मोर देन 3 ईयर। सो मतलब मुझे फिटनेस से जुड़ना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये जिम उनके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब दिस जिम इज बेस्ट फॉर देम हु वॉन्ट टू बी अ चेंज इन देयर बॉडी एंड दे वॉन्ट टू बी समथिंग लाइक दे आर, दिस इज अ ऑसम प्लेस फॉर देम। आप जिम जाते हो? या ऑफकोर्स। आई थिंक जिम का कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्टर जाएं या फिर मतलब मॉडल जाएं। मेरे ख्याल में जिम सबको जाना चाहिए, ये हेल्थ रिलेटेड थिंग है और हर इंसान को कम से कम 1 घंटा तो अपने बॉडी पे देना चाहिए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ का एटमोसफेयर बहुत पसंद आया और मैं होप करती हूँ कि आप भी एक बार तो ज़रूर विजिट करिए, फिर आप अपना खुद आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। दैट इज़ अ बेस्ट प्लेस। मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ GTV का आने वाला और मैं प्रकाश जी है डायरेक्टर है GTV के, वो एक फिल्म बना रहे हैं, मैं उस फिल्म में लीड कर रही हूँ और वो जो फिल्म है वो बन रही है हिंदुस्तान और मीन जो अभी जो मसला चल रहा है इंडियन और मुस्लिम्स के बीच में। सॉरी गाइज मैं बोलना नहीं चाहती बट मतलब उस पर वो मूवी है तो इट्स लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी और वो मेरा प्रोजेक्ट अभी ऑन फ्लोर है एंड कुछ एड्स चल रहे हैं जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ। दैट्स ऑल, लाइफ इज गोज ऑन लाइक दैट लाइफ गाइज। थैंक यू सो मच। हाई आई एम सिमरन कौर, कॉन्ग्रेचुलेशंस और ट्रिपल कॉम्बो एंड मैं जिम जाती हूँ और यहाँ पे कुछ मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है और अभी मैं जस्ट ओपनिंग में आई हूँ और नाइस, दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। आप कुछ एक्टिंग कर रही हैं, कहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? यस, मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ अभी राजस्थान के स्पेस में। थैंक यू।